अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रबड़ी केक, इसे मलाई केक भी कहते हैं। इसका बेस जो है केक का होता है और ऊपर से रबड़ी के साथ हम इसको सर्व करते हैं। बहुत यूनिक सा टेस्ट होता है, बहुत डिलीशियस डेजर्ट होता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी बन जाने वाला डेजर्ट है ये। तो चलिए जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट हम देख लेते हैं। तो पहले हम बनाएंगे इसके लिए रबड़ी, और एक पैन में हम दूध ले लेंगे। दूध को हम हाई फ्लेम पर एक उबाल आने तक रखेंगे और उसके बाद हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। इसमें मैंने शक्कर ऐड कर दी है, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। इसको चलाते रहेंगे लगातार। आप चाहें तो इसे फुल फ्लेम पर पकाएं या स्लो फ्लेम पर। अगर फुल फ्लेम पर इसको पका रहे हैं तो लगातार इसको चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगी। दूध काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सोक की हुई केसर, जिसे मैंने 2-3 चम्मच दूध में, नॉर्मल टेम्परेचर के दूध में सोक करने रख दिया था। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें इलायची पाउडर, ये 5-6 इलायची मैंने ले ली थी। अब बस इसको पकाते रहना है लगातार। ये देखिए रबड़ी बनकर तैयार है। इससे ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी ये गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब केक का बेस बना लेते हैं। इसके लिए चाहिए हमें एक बोल, उसमें हम ऑयल डाल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे दही और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, पर स्मेल वाला ना लीजिएगा, जैसे कि सरसों का ऑयल। अब हम रखेंगे एक छन्नी, इसमें डालेंगे पिसी हुई शक्कर, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और इसको अच्छी तरह छान लेंगे। इस केक को हम माइक्रोवेव में बनाने वाले हैं, तो माइक्रोवेव को मैंने 180 डिग्री पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। 10 मिनट्स के लिए हम इसको प्रीहीट करेंगे। सभी चीज़ें छन चुकी हैं, अब हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें धीरे धीरे दूध ऐड करेंगे। दूध हमें रूम टेम्परेचर का चाहिए, ना ठंडा हो और ना गर्म। मैंने इसमें 120 ml के करीब दूध ऐड किया है, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक रहती है। केक बेस में इसकी कंसिस्टेंसी जो है बहुत मायने रखती है। अगर गाढ़ा हो जाएगा तो भी आपका बेस ख़राब हो जाएगा, और पतला हो जाएगा तो भी आपका केक फट जाएगा। तो देखिए पेज तैयार है, ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा। अब हम लेंगे एक बेकिंग डिश, इस पर बटर पेपर लगाएंगे। अगर आप पे बटर पेपर नहीं है तो आप इसे बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम पोर करेंगे अपना बेस। इसको पोर करने के बाद पूरी तरह फैला के इसको टैप टैप कर देंगे, ताकि जो एयर बबल्स हों वो इसमें से रिलीज़ हो जाएं। प्री हीट माइक्रोवेव में मैंने इसे रख दिया है। टेम्परेचर सेट करेंगे 180 डिग्री पर। 30 मिनट के लिए मैं इसको रख रही हूँ। स्टार्ट कर देंगे। 30 मिनट हो चुके हैं। मैं इसे टूथपिक की हेल्प से चेक करूंगी। ये देखिए एकदम क्लीन है, यानी कि बेस बन चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, और ठंडा होने के बाद हम इसमें फॉर्क की हेल्प से प्रिक कर देंगे इस तरह से। केक को ठंडा होने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप करना है। गरम केक में रबड़ी डालने से पूरा केक सॉगी हो जाएगा और उसका टेस्ट भी ख़राब लगेगा। ये देखिए पूरी तरह से पिक कर दिया है मैंने, ताकि अब हम इस पर रबड़ी पोर करेंगे तो वो नीचे की तरफ तक जज्ब हो जाएगी। अब मैं इस पर ठंडी रबड़ी डालूंगी। रबड़ी को इसके चारों तरफ पोर कर देना है। एक लेयर बन के तैयार हो जाएगी, केक नज़र आएगा नीचे और ऊपर रबड़ी की लेयर नज़र आनी चाहिए। और इसको आप किसी भी मेवा से, जो आप चाहें उसे गार्निश कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पर बादाम और काजू लिए हैं हाफ कप। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए। ये देखिए ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे काट के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह की लेयर नज़र आनी चाहिए। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी केक है। रबड़ी के साथ इसका बहुत ही यूनिक टेस्ट बन निखर के आता है, तो ज़रूर से इसे ट्राई करें। देखिए देखने से ही कितना डिलीशियस लग रहा है ये। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा तो आई एम श्योर आप इसको बार बार बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है ये और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। Like, share, subscribe my channel.